भारत का एक ऐसा इलाका जिसे 1947 में नहीं 2022 में आजादी मिली। पहली बार जब हमसे किसी ने ये कहा तो हमारा रिएक्शन भी आपकी तरह ही था, क्या बकवास कर रहे हो। सच और झूठ में चार अंगुल का फर्क होता है, सच जो अपनी आंखों से देखा, झूठ जो कानों से सुना। इसलिए हम निकल पड़े अपनी आंखों से देखने की इस बात में कितनी सच्चाई है। हमारी यात्रा रांची से शुरू होती है, अगले दो दिनों तक ये यात्रा हमें करनी है। इस यात्रा में हम कार, बाइक और पैदल चलेंगे। रांची से जब हमने ये यात्रा शुरू की तो हमारे जहन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। क्या सच में भारत में कोई ऐसा इलाका हो सकता है जो 2022 में आजाद हुआ हो? अगर इस बात में सच्चाई है तो किसने किसको गुलाम बनाकर रखा था, और इतने सालों बाद इस गुलामी से वहाँ के लोग बाहर कैसे आए। हमारी गाड़ी उस इलाके की तरफ बढ़ी जा रही थी और हमारे जहन में इस तरह के सैकड़ों सवाल आ जा रहे थे। तभी हमें ये बताया गया कि अब आप दुनिया से कटने जा रहे हैं, यानी आपका संपर्क दुनिया से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आपके पास जो मोबाइल है वो काम नहीं करेंगे, आपके पास अगर संपर्क साधने के कोई साधन है तो वो भी काम नहीं करेंगे। रांची से पूरे दिन के सफर के बाद आखिरकार हम उस पॉइंट पर पहुंचे हैं जहां से एक तरह से कहें तो हम पूरी दुनिया से अब थोड़ी देर बाद कटने वाले हैं। यानी हमारे पास जो मोबाइल है, हमारे पास जो संसाधन है कम्युनिकेशन का, उसके जरिए हम संपर्क अपनों से नहीं साध पाएंगे। यहाँ से असली जो जिसको हम कहते हैं हमारी यात्रा, वो शुरू होने वाली है। और उस यात्रा के दौरान हम आपको ये दिखाएंगे कि वो इलाका जिस इलाके में दिन के समय में भी लोग जाने से डरते हैं। हालांकि झारखंड जंगलों का प्रदेश है, आप झारखंड के किसी भी इलाके में जाएंगे तो आपको जंगल जरूर मिलेगा, लेकिन जिस इलाके में हम आपको लेकर जा रहे हैं उस इलाके की कहानी ये है कि वहाँ दोनों तरफ घने जंगल और डराने वाली शांति के बीच हम आगे बढ़े जा रहे थे। रांची से हमने यह यात्रा सुबह शुरू की थी और अब शाम ढलने वाली थी। हमारे साथ बैठे लोगों के दिमाग में भी यही चल रहा था कि क्या रात में भी हमारी यह यात्रा जारी रहेगी। जिस सड़क से हम बढ़े जा रहे थे अचानक से वो सड़क खत्म हो जाती है, यानी हमें दिखता है कि एक पुल तो है लेकिन पुल के आगे सड़क नहीं है। हमें लगा कि अब आगे क्या होगा। तभी हमें ये बताया गया कि अब आपको यहीं रुकना है, आपकी अगली यात्रा अब अहले सुबह शुरू होगी। यानी हमें आज की रात वहीं गुजारनी थी और अगली यात्रा के लिए अहले सुबह यानी सुबह सुबह उठकर निकलना था। रांची से करीब पूरे दिन के सफर के बाद हम उस डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं जहां आज की रात हम लोगों को रुकना होगा और आज की रात हमें यहीं बितानी होगी। क्योंकि ये आप जो देख रहे हैं जिस सड़क से हम अभी आ रहे थे, ये इसके बाद जो है जो यात्रा है वो यात्रा शुरू होगी और हम उस लाल आतंक के उस पूरे साम्राज्य जिसको कि उखाड़ दिया गया है उसको आगे दिखाने वाले हैं कि वो लाल साम्राज्य जो है वहाँ किस तरह से काम करता था। हम आज रात जो है ये इस तरफ दाहिनी तरफ जो है हम दिखाएंगे आपको, ये दाहिनी तरफ जो आप CRPF का कैंप देख रहे हैं इस तरफ, ये कुल ही है, कुल ही कैंप है। ये आप देखिए कि यहाँ पे जो अभी काम चल रहा है ये कुल ही कैंप है और इसी कुल ही कैंप में आज की रात हम लोग CRPF के साथ गुजारने वाले हैं। उनके साथ हम लोग रुकेंगे CRPF के साथ और उसके बाद फिर जो है यहाँ से हमारी यात्रा कल शुरू होगी और कल सुबह में हम आपको फिर आगे की कहानी दिखाएंगे कि आगे क्या है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजली देख रहे हैं, लाइट जो देख रहे हैं, ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ तक पहुंची है। ये लाइट जो है अभी फिलहाल यहीं तक है, मतलब यहीं तक ये बिजली की सुविधा है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल यहाँ बिल्कुल डेड है, कोई भी टावर नहीं है किसी भी, चाहे वो आप जियो की बात कर लें या फिर एयरटेल की बात करें। आपको देखिए ये देख रहे हैं यहाँ पे कोई टावर नहीं है, मतलब यहाँ आप पूरी तरीके से दुनिया से कट जाते हैं। तो सड़क जो है ये हाल के दिनों में बनी है यहाँ पे और ये सड़क यहीं तक है, इसके आगे आपको फिर जो है चढ़ाई करनी होगी। OTT पर आप जैसा वेब सीरीज में देखते हैं वैसे ही इस पूरी कहानी को हम आपको 5 हिस्से यानी 5 एपिसोड में दिखाएंगे। इसके अगले हिस्से में आगे की यात्रा आपको दिखाएंगे, इसलिए आगे की यात्रा देखने के लिए अगले हिस्से को देखना ना भूले, क्योंकि अगले 5 एपिसोड में जो यात्रा हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। और एक नई दुनिया से आपका वास्ता होगा जिस दुनिया को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो इस यात्रा को अभी फिलहाल यहीं विराम देते हैं, आगे की यात्रा देखने के लिए इंतजार कीजिए इसके अगले हिस्से का यानी अगले एपिसोड का।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। फ्रेश बैच की शुरुआत 13 अप्रैल से होने वाली है। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची।